टू माई चैनल एंड मैरी क्रिसमस। तो जैसा कि आप जानते हैं आज क्रिसमस है, तो दिल्ली में एक बहुत ही न्यू कैफे खुला है विच इज द विंक कैफे। तो हम वहां जाने वाले बिकॉज वो पूरा क्रिसमस थीम पे बेस्ड है एंड देखते हो कैसे होने वाला है। तो सुबह उठ चुके हैं, नहा धो के फुल रेडी है एंड जल्दी से चलते हैं अब क्रिसमस पे घूमते हैं। कहाँ कहाँ घूमेंगे आपको सब दिखाएंगे। तो ये रहा द विंक कैफे का एड्रेस एंड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि बहुत रश हो रहा है यहाँ पे। कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया विंक कैफे, बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। दिन में इतना रश है तो सोचो शाम को कितना रश होगा। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने का कोई स्पेस नहीं है। कोई बात नहीं, आगे जाके गाड़ी पार्क करते हैं एंड देन चलते हैं विंक कैफे एंड देखते हैं कैसा होने वाला है वो। वाओ गाइस कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है एंड मेन पार्ट यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है क्योंकि यहाँ फेक स्नोफॉल होती है। ज्यादा क्राउड हो रहा है एंड 2 घंटे की वेटिंग है। सो कैफे के अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे, 2 घंटे वेट करने से अच्छा है फोटोज तो सारी क्लिक हो गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है बाहर से। आप बाकी अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल विंक कैफे एंड गाइस आपने देखा कितना ब्यूटीफुल था विंक कैफे। भीड़ बहुत ज्यादा है पर यह वर्थ इट था। जो फेक बर्फ गिरी थी उसका तो मजा ही अलग था, बट कश्मीर में रियल बर्फ देख ही लिए तो इसमें मजा नहीं आया, बट इट वॉज वेरी फन। दिल्ली में रहते हैं, आज क्रिसमस है, शाम को बिल्कुल मत आना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, शाम को बहुत भीड़ हो जाएगी। आना चाहते हो तो अभी शाम को आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है, आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप 2 घंटे वेट कर सकते हो। 2 फोटो खिंचवाने के लिए तो ज़रूर आना। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगली बार। मैरी क्रिसमस।